अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद। वो अपनी सहेलियों के हमराह दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, किताबें सीने से लगाए हुए, बैग कंधे पर लटकाए हंसती मुस्कुराती वो रोज़ाना छुट्टी वक्त के वक्त इसी रास्ते से गुजरती थी और मैं रोज़ इस जगह इसका इंतज़ार करता रहता। ना जाने क्या नाम था इसका, मगर वो इस कदर खूबसूरत और हसीन थी कि बस मत पूछ। जब मैंने इसको पहली मर्तबा देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा नहीं कि मेरे इलाके, मेरे कबीले और मेरी कौम में खूबसूरत औरतों की कमी थी, मगर दिल जिस पे आ जाए उसका कुछ नहीं हो सकता, और मेरा दिल इस पर पूरी तरह आ चुका था। बातें करते करते इसने अचानक मेरी जानिब देखा, मैं आड़ में हो गया। हालांकि मैं जानता था कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो मुझको देख नहीं पाएगी, मगर मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि अभी वो मुझे देखे, मेरे बारे में कुछ भी जाने। मुझे मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप, सबा ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कौसर हाथ पूछते हुए किचन से निकल आएगी। आ गई मेरी बेटी। जी हाँ, अब जल्दी से खाना निकालें, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। अम्मी, रात को मेरे दोस्त फरा की सालगिरह है, सबा ने खाने की मेज़ पर इतलाह दी। सबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारे अबू तुम्हारा रोज़ रोज़ से घर से निकलना पसंद नहीं करते। अभी दो दिन पहले ही तो तुम्हारा सारा ग्रुप शॉपिंग करने निकला हुआ था, कौसर ने कहा। क्या अम्मी आप भी, सबा ने हसब ममूल मुँह बना लिया। सब लड़कियाँ ही तो हैं, साथ जाएंगी साथ वापस आ जाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कौसर ने सफाई में कहा। अपने अबू से खुद इजाज़त ले लेना, इनको तुम्हारा ना तो रोज़ रोज़ बाहर जाना पसंद है ना ही इतनी रात को घर वापस आना पसंद है। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अबू जी, मेरे प्यारे अबू जी, सबा पीछे से आकर उनके गले से लटक गई। अशफाक साहब अखबार से सर उठाकर इसको देखने लगे। जी, कोई नई फरमाइश है, जो इस वक्त इतने लाड और प्यार जताए जा रहे हैं। अबू जी, लाड भी तो उस वक्त किया जाता है जब कोई अहम काम हो। मेरे प्यारे बाबा जान, असल में आज मेरी दोस्त फरा की बर्थडे है। वही फरा जो यहाँ पे रहती थी पहले, सबा ने वजाहत की। आज उसकी बस बर्थडे है, हम सब फ्रेंड इनवाइट हैं वहाँ पे। ये बात है, अशफाक साहब बोले। तो जी, आपके जाने की परमिशन चाहिए आपको, थोड़े से पैसे गिफ्ट के लिए, यानी 1000 रुपया बस। सबा ने बात ख़त्म की। अशफाक साहब कौसर पर तो खूब गरजते बरसते थे, मगर अकलौती बेटी की जिद के आगे हार मान जाते थे, ऐसा हमेशा ही होता था। चलो ठीक है बेटा, मगर जल्दी वापस आ जाना, हालात ठीक नहीं है आजकल, ख़ास तौर पर जवान लड़कियों के लिए, आखिरी जुमला उन्होंने अपने दिल में कहा था। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी, मैंने सुबह इसकी गुफ्तगु सुन ली थी, आज इसको दावत पर जाना था, मैं इसकी सच दस देखने को बेकरार था। आज से पहले मैंने हमेशा इसको कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में देखा था, न जाने रंग कौन कौन सा इस पर कैसा कैसा लगता है। मैं बेचैनी से शाम का मुंतज़र था। सुबह, सबा कौसर इसको आवाज़ देती अंदर आई, मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी सबा को देखकर इनके माथे पर बल पड़ गए। ये क्या क्या पहना हुआ है तुमने, स्याह जुल्म लाते हुए लिबास में अलबूज सबा उनकी तरफ मुड़ी। मैक्सी है मामा जान, और क्या है, ये तुम कहाँ से लाई हो। मैक्सी जो कि इंतहाई गहरे काले रंग की थी, इसकी आस्तीनें गायब थी और एक बड़ा सा गला था उसका। इस दिन जिस शॉपिंग के लिए गए थे तो वहीं से लाई थी अम्मी, सबा ने इंतहाई बेनियाजी से बालों में बुरश फेरते हुए जवाब दिया। तुम ये बेहूदा किस्म के कपड़े पहन कर हरगिज़ घर से बाहर नहीं निकलोगी, अगर तुम्हारे अबू ने देख लिया तो। अम्मी, हर वक्त अबू का डरावा ना दिया करें मुझे, इसने माँ की बात काट दी। अब आप दोनों के पुराने ख्यालात की वजह से मैं अपने शौक़ भी पूरे नहीं कर सकती क्या, सब लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं। सबा अपने दोस्त के साथ घर से निकल गई, और इसकी किसी दोस्त ने भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे, सब आम शलवार कमीज़ में मलबूस थी। कौसर माथे पर बल डाले से घूरती रह गई, मगर इनके बस में कुछ नहीं था। सबा इनकी अकलौती औलाद थी, लाड प्यार ने इसको बेहद बिगाड़ दिया था, और ये उन्हीं की बेजा हमायत थी कि जिसकी वजह से अशफाक भी इसको कुछ कहते हुए घबराता था। अपनी सारी
जलजलाहट वो कौसर पर निकाला करते थे। शुक्र है इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, वरना न जाने क्या होता। काश सुबह सबा जल्दी घर आ जाए और इशफाक की नज़र पड़ने से पहले कपड़े बदले। उन्होंने दिल में दुआ की, कौसर की दुआ आज कबूल नहीं होने वाली थी। सबा ना सिर्फ बहुत देर से लौटी बल्कि दरवाज़ा भी इशफाक साहब नहीं खुला। सबा को देख कर मारे रंज के वो कुछ बोल ही ना सके। सबा को तो कोई लिहाज ही नहीं था। अबू जान सॉरी मैं लेट हो गई, बोलकर वो उठलाती कमरे में चली गई। कौसर दिल में डर रही थी कि ना जाने कितने झाड़ पड़ने वाली है, मगर खिलाफ तवक्का इशफाक बिल्कुल खामोश थे। कौसर जितनी जल्दी हो सके सबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा, मैं जल्द अजल्द इसके फर्ज से दोष होना चाहता हूँ। वो तो अपनी बात कहकर ऑफिस रवाना हो गए, मगर कौसर देर तक सोचती रही। ऐसा नहीं था कि हुसन और कम उम्र सबा के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते थे। सबा जितनी हसीन है इससे कहीं ऊंचे इसके ख्यालात हैं। वो अक्सर औकात माँ को बताती रहती है कि वो बहुत अमीर पढ़े लिखे और बेहद हैंडसम लड़के से शादी करेगी, और लड़के में इनमें से अगर कोई भी एक कमी हुई फिर वो हरगिज़ हामी नहीं भरेगी। कौशल जानती थी कि सबा ऐसे ही करेगी। बेहद ज़िद्दी और हट धर्म किस्म की लड़की थी। वो आराम से अपने बाप के सामने भी डट कर खड़ी हो सकती थी। फिर क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा ऐसा मुकम्मल रिश्ता। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिन्होंने कौसर को अपने हसारे में ले रखा था। जब से सबा को इस दिन तैयार स्याह लिबास में जलमलाते देखा था, मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मैंने अपने घर वालों से इसके लिए बात की, बाहर रिश्ता नहीं किया जा सकता, मगर मेरी ज़िद मेरी मोहब्बत के आगे सब हार गए और मुझे इजाज़त दे दी। अब मैं शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब मैं अपनी मोहब्बत को असल में पालूंगा, हासिल कर लूँगा। सबा, दरवाज़े को दिहाड़ से खोलकर कौसर अंदर दाखिल हुई। तुमको कोई एहसास है? उफ़ क्या है अम्मी, क्या प्रॉब्लम हो गई आप, वो बदतमीज़ी से बोली। प्रॉब्लम? तुमको नहीं पता तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी ख़राब है, और ये दोनों वक्त मिल रहे हैं, मगरब की अजानें हो रही हैं, तुमने कितने तेज़ आवाज़ में गाने लगाए हुए हैं। उफ़ अम्मी, अब्बू को तो बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा, इसने बेनियाजी दिखाई। और ये आज आपको मौलानी बनने का ख्याल क्यों आ गया? सबा कौसर बुल ही कुछ भी ना बोल सकी। तुम किस कदर बदतमीज़ हो गई हो। अम्मी प्लीज़ बोर ना करें और जाएँ अब्बू के पास जाकर बैठें, वैसे भी वो बीमार हैं बकौल आपके। आखिरी जुमला सबा ने आहिस्ता से कहा, मगर कौसर ने सुन लिया। खुदा ही तुम्हें हदायत दे, कौसर कमरे से निकल आई। सबा ने म्यूज़िक आस्ता नहीं किया, ये क्या है? कौसर कुछ बोल ही ना सकी। गहरी सुर्ख साड़ी में मलबूस सबा बाल खोले, सुर्ख लिपस्टिक लगाए परी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं, इसने दाद चाही। वाह याद, उन्होंने जलकर कहा, सारा ख़ानदान वहाँ जमा होगा, क्या कहेंगे सब, हमारा ऐसा माहौल और फिर इस तरह सारा पेट नज़र आ रहा है तुम्हारा। मुझे किसी की परवाह नहीं अम्मी, सबा ने ठनक कर कहा, अगर साड़ी नहीं बांधने देंगी तो मैं जाऊँगी नहीं। ना जाओ ज़्यादा बेहतर है, कौसर ने जलकर कहा, इस होलिये में तुम्हें लेकर जाना ना लेकर जाने से बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो, तुम्हारे अब्बू तो मेरी जान ही निकाल लेंगे, पहले ही वो तुम्हारी हरकतों पर कुड़ते रहते हैं। अम्मी एक बात कहूँ, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे जलती हैं, मैं इस कदर हसीन लंबी गोरी चिट्टी, हर कोई कहने लगा है कि मैं आप दोनों की औलाद नहीं लगती, जब भी आप बहाने से मुझको तैयार होने से रोकने लगी हैं। सबा मजाक हरगिज़ नहीं कर रही थी। कौसर आंखें फाड़े इसको देख रही थी। इनसे कोई जवाब नहीं बन पाया। सबा इस हद पर आ चुकी थी कि इनको अंदाज़ा नहीं था। अपने शदीद हुसन के एहसास ने इसको जैसे बांस पर चढ़ा दिया था। कौसर अशफाक इस दिन वाकई में सबा को घर पर छोड़ गए। कौसर ने तो इससे बात तक न की, बस आस्तगी से दरवाज़ा बंद करने का कह दिया। सबा जैसे गुस्से में आग बुगुला हो रही थी। इसके खूबसूरत रुखसार इसकी साड़ी के हम रंग हो रहे थे। ख़ानदान की शादी का वो कब से इंतज़ार कर रही थी। आखिर ऐसा क्या है इन कपड़ों में,
मैं टीवी पर, फिल्मों में और ड्रामों में तो सारी लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं। इनकी माएँ तो उनको कुछ नहीं कहती। अम्मी सच में मुझसे जलने लगी हैं। कम उम्र, दिमाग की रसाई बस यहीं तक थी। वो पैर पटकते हुए आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने अक्स पर नज़र पड़ते ही जैसे इसका सारा गुस्सा निकल गया। लाल सुर्ख साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज जिसमें से आधा पेट चमक रहा था, काले घने बाल शानों पर बिखरे हुए थे, गहरी सुर्ख लिपस्टिक इससे अपने ही ऊपर से नज़र नहीं हटाई जा रही थी। अम्मी अबू को तो रात देर हो जाएगी आते आते, वो सोचने लगी क्या करूं? चलो फरा की तरफ चलती हूँ, आखिर इतनी मेहनत से तैयार जो हुई हूँ, किसी से तो दाद वसूल करूँ। ढेर सारा परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करके वो इस हुलिये में बाहर निकली। मेरी सांसों ने किसी तेज तरीन खुशबू को महसूस कर लिया और मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल वही अकेली तन्हा अटलाती चलती, लंबे खुले बाल, खुले आसमान और सितारों तले तेज़ खुशबू, सुर्ख रंग, ये तमाम चीज़ें मुझे कितनी मुतवज्जा करती थी। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, दीवाना कर रही थी, बेबस कर रही थी। मैं बेसाख्ता इसकी तरफ झुका और सबा को ना तो रात के अंधेरे से खौफ महसूस हो रहा था, ना अपने अकेलेपन से। जवानी वैसे ही बहुत नडर और बेखौफ होती है। चंद गलियों के पार करते ही फरा का घर था। इसने सोचा था अम्मी अबू के आने से पहले ही लौट आऊँगी, और अगर देर हो भी गई तो मेरी बला से, आखिर क्यों छोड़कर गए थे मुझे। बदतमीजी से सोचते हुए अचानक इसकी नज़र रास्ते में पड़े पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ी और इसके गले से भयानक चीख बरामद हुई। मैंने इसको आराम से चंद लहों में ऊपर खींच लिया। इसके साथ कोई रुकावट, कोई हसारा ना था जो मुझे रोक सकता। पुरेसरार मैं इसको अपने साथ ले आया इस दरख्त पर, इस कदीम पुरेसरार बरगद के दरख्त पर। यहाँ मेरा घर, इसकी हर शाख पर कोई ना कोई आबाद था, मेरे ख़ानदान का, मेरी कौम का। आप समझ गए मैं कौन था। मैं एक जनजादा था और मैं इससे इंतहाई मोहब्बत करता था। और जब मैं उसको ले आया था अपने घर वालों की मर्ज़ी से, और दोबारा मैं अभी इस दुनिया में कभी नहीं आऊँगा, और इसको लेकर परस्तान चला जाऊँगा और वहीं पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा, और जो कुछ उसको चाहिए था वो सब कुछ उसको दूँगा, क्योंकि मैं उसकी एक एक बात को जानता था। खूबसूरत, हैंडसम, दौलतमंद, पढ़ा लिखा, अमीरज़ादा, हर चीज़ उसको दूँगा।